बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो सीट्स आई हैं पीपीएससी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके अंदर अप्लाई किया, तो उसके जो पेपर्स हैं जिसमें पेपर वन इंग्लिश में है और पेपर टू जो है वो अबाउट जीके एंड कंप्यूटर है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो आज हम सिर्फ पेपर वन की बात करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी देखते हैं इसकी टोटल जो एप्लीकेंट्स हैं वो कितने हैं जिन्होंने अप्लाई कर लिया है। तो जी 1,00,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है इस पीपीएससी जॉब के अंदर, जबकि सीट सिर्फ 53 हैं, जो इस बात की जो है बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस 53 सीट्स पर, जिसमें से 53 को अगर 5 से ज़रब दें तो 265 जो हैं वो सिर्फ लोग होंगे जो पीपीएससी के टेस्ट क्लियर करेंगे और टॉप 265 में आएंगे, और उनको ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और बाकी आप सोच लें कि 1,00,000 में से कितने लोग जो हैं वो रह जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस इन सीट्स को लेके, सो बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मेहनत चाहिए। अगर आप कमिटमेंट हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश के में कंप्रीहेंशन से बहुत सारे एमसीक्यूज पीपीएससी के पेपर्स में आते हैं। कंप्रीहेंशन आपकी जितनी अच्छी होगी, जितना पैराग्राफ में से अच्छी उसकी फहम ले सकेंगे, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। साथ जी आपने टेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि टेंसेस में वर्ब्स और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल, ठीक है, इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा देखना है। 12 टेंसेस सारे के सारे आपने अच्छे से करने हैं। इसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के आ सकते हैं इस इंग्लिश के पेपर के अंदर। साथ कंडीशनल सेंटेंसेस, इनके ऊपर भी आपने फोकस करना है। इसके अलावा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तैयारी के लिए। इसके बाद ये इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को भी आपने बड़ा गौर से देखना है, जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपने सामने रखनी है। इसके बाद एनालॉगीज़ भी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ये अगेन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इसमें से भी आए होते हैं। इसके बाद ये एरर फाइंडिंग, आपको अगर कोई पैराग्राफ के अंदर या कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह आपसे पूछी जा सकती है कि इस जुमले में से वो ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल लें, ठीक है जी। इसके बाद स्पेलिंग्स आपके पास आ सकते हैं, भाई करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आपने ढूंढना होगा ऑप्शंस के अंदर। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एंटोनियम्स भी अक्सर पूछे होते हैं, यानी अल्फाज मुजाद होते हैं, तो एक लफ्ज़ दिया होता है उसका एंटोनियम आपसे पूछा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पीपीएससी इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा पंक्चुएशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ़लाँ जगह पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स लगता है, या फ़लाँ जो जगह है उसके ऊपर क्या पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए, तो इस तरह के सवाल भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी पार्ट ऑफ स्पीच, ये तो ठीक है दरिया है इंग्लिश का, तो इसको तो जितना आप डिस्कस करें कम है, मगर इसको भी आपने गो थ्रू ज़रूर करना है। पार्ट ऑफ स्पीचेस में कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जी पार्ट ऑफ स्पीचेस के अंदर आता है नाउन, ठीक है, आपने नाउन को डिस्क्राइब करना है। नाउन की टाइप्स भी आपने अच्छे से देखनी है, कितनी इसकी काइंड्स हैं, कौन कौन सी काइंड्स हैं, उसकी एग्जांपल्स भी आपने अच्छे से याद करनी है। साथ प्रोनाउन और प्रोनाउन की भी एग्जांपल्स, और उसकी आगे फर्दर जो टाइप्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ प्रोनाउन है वो आपको पता हो। फिर जी वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स, और फिर साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स हैं वर्ब्स की, वो भी आपने साथ देखनी है। इसके बाद ये एडजेक्टिव का पता होना चाहिए, क्या है इसकी सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ये डिग्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एडजेक्टिव के जो दूसरी टाइप्स हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी है, मैनर है एडजेक्टिव के, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप में कौन सा एडजेक्टिव आता है। इसके अलावा एडवर्ब हैं, एडवर्ब की भी आपने टाइप्स जो हैं वो अच्छे से याद करनी है, समझनी है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पीपीएससी के सिलेबस के लिहाज से, वो प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है जी। तो प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन वगैरह वगैरह, तो इसकी भी आपको सही समझ होनी चाहिए थी कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे लगेगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है जी। इसके बाद इंटरजेक्शंस, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और साथ कंजंक्शंस, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं टोटल 8, और इन 8 के ऊपर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है जी, इसमें से ही एमसीक्यूज आएंगे, इन्हीं टॉपिक में से आएंगे, तो वन बाय वन एक एक जो है पोर्शन करते जाएं और इसको आगे गो थ्रू करते जाएं। साथ इसके पास्ट पेपर्स में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको भी जो है आप कंसीडर करें, वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, जो पास्ट पेपर में इंग्लिश रिलेटेड सवाल आए हैं पीपीएससी
के अंदर। ठीक है जी, तो ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात कर रहे हैं पेपर टू के बारे में, तो वो वीडियो भी आपने ज़रूर 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 देखनी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।